मॉर्निंग 7 बजे। बाहर की नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा होटल की रूम से जो वीडियो मैंने अभी लिया आपको शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अभी सूरज का उदय चालू हुआ। हमने रुके रामसुख रिसोर्ट्स में और अभी अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे तपोला के लिए। हमारा होटल का जो व्यू है ना, उधर से आपको नीचे मैं दिखाता हूँ जो तपोला लेक जहाँ हम लोग जाएंगे उसका व्यूज़, तो आपको समझ में आएगा कि ये बरसात की टाइम, क्योंकि अभी तो थोड़ा क्लाउडी है, बरसात के टाइम एकदम बहुत क्लीन रहते हैं। तभी देखने के लिए जो मज़ा है ना, रियली आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर एक बार विज़िट करिए। फ़िलहाल हम लोग तैयार होके निकल जाते हैं और रास्ते में आपको बताते हैं क्या क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। चलिए। मिनी कश्मीर ऑफ महाराष्ट्र, जिसका नाम है टपोला, महाबलेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी में है ये टपोला। टपोला एक सीनिक व्यू है जो पूरा सह्याद्री हिल का बीच में है और इसमें 3 ऐसे लेक है जिसके मिलन से इसको टपोला के नाम से जाना जाता है। अगर आप पुणे से जाना चाहते हैं तो पुणे से इसके डिस्टेंस आपको आएगा 140 किलोमीटर और मुंबई से तपोला का डिस्टेंस आएगा 260 to 280, डिपेंड करेंगे आप कहाँ से जाना चाहते हैं। नेशनल हाईवे 66 से आपको पंचकनी होके तपोला जाना पड़ेगा। आज से 2-4 साल पहले तपोला इतना फेमस नहीं था, पर धीरे धीरे इस जगह को चेंजेस हो रहा है क्योंकि महाबलेश्वर का जो क्राउड है बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है ड्यूरिंग द सीज़न। तो गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे तपोला को एक टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से रेडी कर रहा है। रास्ते में आपको छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी गार्डन मिल जाएगा देखने के लिए। आप ज़रूर रुकिए, स्ट्रॉबेरी का मज़ा लीजिए। स्ट्रॉबेरी का आपको जूस मिल सकता है, शेक मिल सकता है, आइसक्रीम मिल सकता है। हेलो, दिस इज़ गाडग्या पटेल क्रीम कॉर्नर ऑन महाबलेश्वर तापोला रोड। और हम लोग हमारे फार्म में जो उगता है उसी से सब आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी से बनने वाला आइटम, स्ट्रॉबेरी फ्रेश क्रीम, स्ट्रॉबेरी जूस, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम एटसेट्रा। हम भी इस जगह पे रुके थे, गाडग्या पटेल स्ट्रॉबेरी कॉर्नर। ये प्योर ऑर्गेनिक फार्म है, इनका हनी जो है बहुत फेमस है, प्योर हनी। और स्ट्रॉबेरी जैम एंड जेली जो है वो प्योर इन्होंने घर पे बनाते हैं विदाउट, तो आप लेके जा सकते। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 120 रुपया करके पर बोतल है। हनी का प्राइस 700 पर बोतल, आई मीन 1400 रुपया के जी। आपको अच्छा लगे आप टेस्ट करिए और लेके जाइए। फाइनली हम लोग पहुंच भी गए तपोला लेक। तपोला लेक में आपको एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आप जब भी रास्ते में आएंगे ना, आपको जीपीएस काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक काफ़ी घना जंगल के अंदर से आपको ये रोड है। रोड भी अभी रेडी हो रहा है, काफ़ी जगह पे जो रोड का काम चालू है, और आई होप कि बरसात आने के पहले ये रोड ठीक हो जाएगा ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। आपको और एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ, आपको कैश कैरी करना है, क्योंकि इधर ऑनलाइन की बारकोड स्कैनर सबके पास है, पर नेटवर्क की वजह से आपको गूगल पे या पेटीएम, फ़ोन पे काम नहीं करेगा। तो आप हमेशा कैश कैरी करिए, क्योंकि लोकल एटीएम आपको मिलेगा नहीं, वो तकलीफ आपको जरूर होगा। राइड में आपको चार टाइप की राइड मिलेगा। एक है 45 मिनट्स की राइड है, जो 6 किलोमीटर का अंदर आपको लेके आएगा। दूसरा है कि एक त्रिवेणी संगम है, जो 1 घंटा 15 मिनट जाएगा, 12 किलोमीटर की राइड है। तीसरा है दत्ता मंदिर है, आगे एक मंदिर है, वो आपको 2 घंटा का रास्ता है। और उसके बाद एक फोर्ट है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आपको जाएगा 4 घंटा। तो इस हिसाब से राइड का अलग अलग प्राइस है। हम लोग एक शेयरिंग बेसिस पे एक स्पीड बोट किए थे, तो 950 का अपने को चार्जेस लगा था। तो 4 आदमी हम लोग थे, मतलब एक और एक फैमिली था वो हमारे साथ आ गया था, तो हम लोग चारों का शेयर कर लिए। तो आप समझ गया 225 रुपये के हिसाब से अपने को रेट गिरा, और रेट इसका फिक्स है, तो आप इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आपको लाइन लगाना है और आपको पैसा जमा करके आपको लेना है। बोट चढ़ने के पहले एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, आपको जो कॉस्ट्यूम है वो आपको लेना है। बेसिकली वो वे लोग ही प्रोवाइड कर देंगे आपको, वो आपको लेना ज़रूर है। और फिर राइड की मज़ा लीजिए। आपको स्पीड बोट भी मिल सकता है, पैडल बोट भी मिल सकता है, हाई स्पीड वाला भी मिल सकता है, और एक सेमी वाला भी मिल सकता है। लेक में आप बहुत सारे की एंजॉयमेंट कर सकते हैं, मज़ा करिए लेक में। खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं आपको, बट मौसम अच्छा है, आपको घूमने के लिए अच्छा लगेगा। कितना लोग आता है इसमें टूर करने के लिए? अभी तो बहुत लोग आते हैं, इधर पूरा सीजनेबल रहता है, मतलब सैटरडे संडे रहेगा तो पूरा फूल ही रहते हैं पूरा साल भर। और बाकी दिन दीपावली, क्रिसमस, या अभी क्रिसमस का जो छुट्टी चल रही है तो वो टाइम पे पूरा फूल ही रहेगा। और बरसात के टाइम में बंद रहता है ना। ये आपका बेटा है? हाँ। वाह, क्या नाम है? निहाल। बरसात के टाइम में बंद रहते हैं? नहीं, चालू रहते हैं सर, 12 महीने चालू रहता है। 12 महीने चले। अगर ज़्यादा बारिश रहेगा तो वो लॉन्ग टूर नहीं जाते, इधर तो घूम सकते हैं। ओके ओके। उधर गांव है? क्या गाँव है? ये रिवर के बाजू में ना 105 गाँव है, छोटा छोटा। और ये पानी का एरिया ना 150 किलोमीटर का है। 150 किलोमीटर। अभी जितना भी रेड वाला दिख रहा है ना, झाड़ के लेवल में। हाँ हाँ। जब पानी फुल होता है ना बारिश। कैसे है लेक, इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है? ये लेक में क्या क्या मिलता है, कैसे रहते हैं? अभी क्या है, इधर 2 रिवर का एक साथ मिलता है। यहाँ से राजस्थान का जो मेन रिवर है वो कोयना रिवर है। ओके, वो ये साइड से आता है। ओके, कोयना रिवर ये सोलसी, सोलसी ये साइड आता है। ओके, वो नदी का इधर मिलन होता है। हाँ, तो इधर से ये 85 किलोमीटर पे कोयना डैम है, तो इतना लंबा ये पानी जाता है। तो इसके आगे और एक रिवर मिलता है, वो पहाड़ी के वो साइड से, खांडाटी करके। ओके, तो कोयना, सोलसी और खांडाटी, त्रिवेणी संगम आगे। लेक के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, आप इसमें उतार के आपको चाय नाश्ता के लिए आपको मिलेगा। आप इधर स्टे भी कर सकते हैं, इसको टेंट बोला जाता है। 500 पर फैमिली के हिसाब से बेसिकली 2 आदमी इसमें रह सकते हैं एक टेंट में। इसकी नंबर है इनकी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इधर आके भी आप रुक सकते हैं। जनरली जो एंथुसियास्टिक जो लोग होती है, जो ट्रैवलिंग लॉट ऑफ करते हैं, तो इसमें आके वो रुकते हैं रात को, मतलब इसमें सुनसान हो जाता है। तो आपको अगर उस टाइप की मज़ा लेना है तो आप आके रुक सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, तापोला के बारे में मैं कोशिश की आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।